नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं राशिद अली। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हार से क्या अंदेशा लगा सकते हैं आप? ये सवाल शायद बीजेपी सरकार पर सबसे पहले है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी बिल्कुल भी, उन्हें इन नतीजों से बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये चौंकाने वाले नतीजे इतने भी भयंकर आ सकते हैं कि जिसमें दोनों ही सीटों से बीजेपी का सफाया हो जाए। जाहिर सी बात है, 2014 से जब से मोदी लहर सामने आई है, तब से लगातार हर राज्य में मोदी लहर छा रही है। आपने देखा होगा पूर्वोत्तर में भी, जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें भी किस तरह से बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, और ना सिर्फ उसने इतनी सीटें जीती, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर में अगर बात करें त्रिपुरा की, जहाँ पे लेफ्ट सरकार है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इतनी संख्या में बीजेपी ने सीट जीती जिसका किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। तो वहीं हम जानते हैं कि अगर बात करें अब उत्तर प्रदेश में दो उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव की, जो कि गोरखपुर और फूलपुर है, उसमें कितना मतलब अंतर अगर आप देखेंगे, तो वहीं बीजेपी अगर हारी तो क्यों हारी? क्या वहाँ के प्रत्याशियों में कोई कमी थी? क्या वहाँ के नेताओं ने कोई लापरवाही बरती, या वहाँ की रणनीति खराब थी, या वहाँ के प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशियों से ज़्यादा मजबूत थे, या वहाँ के प्रचार में कोई कमी थी, या वहाँ की पार्टी में कोई कमी थी? ये तमाम सवाल बीजेपी सरकार पर इस समय मंडरा रहे हैं कि आखिर जिन चुनावों को योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री जो कि केशव प्रसाद मौर्य की नाक का सवाल बता रहे थे, आखिर इन उपचुनावों के नतीजे ने कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की, सीएम योगी आदित्यनाथ की नाक काट दी। जी हाँ, क्योंकि ये उपचुनाव ऐसे ही आ रहे थे। उपचुनावों का दौर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उपचुनावों से आने वाले विधानसभा चुनावों का पता लगता है। एक और खबर है, इस खबर की हेडिंग मैं आपको अभी पढ़ा दूं, लेकिन उस पर बाद में नीचे आएंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आप खबर गोरखपुर उपचुनाव की आप देख सकते हैं। सीधा मैं आपको दिखाना चाहता हूं खबर कि आखिर अगर खबर देखेंगे तो आखिर आपको लग जाएगा कि इसके पीछे क्या कारण है। योगी की नापसंद तो भाजपा ने क्यों बनाया उपेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी? क्या इस वजह से बीजेपी हारी है? क्या बीजेपी इस वजह से आ रही है कि वहां पर योगी की पसंद का प्रत्याशी नहीं खड़ा किया गया? क्या इस वजह से बीजेपी हारी है कि वहां के प्रत्याशी जो जिसे योगी आदित्यनाथ खड़ा करना चाह रहे थे वो वहां पर खड़ा नहीं हो सका? तो फिर पार्टी में किसकी चली? अभी कुछ दिन पहले हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया था कि उपेंद्र शुक्ला जो कि गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो दरअसल योगी आदित्यनाथ की पसंद है ही नहीं। वो दरअसल बात ये हुई थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ चाह रहे थे कि अगर गोरखपुर सीट से कोई सांसद उम्मीदवार खड़ा हो तो वो गोरखनाथ मंदिर से हो। गोरखनाथ महंत तो जिस तरह से योगी के गुरु रहे हैं और जिस तरह से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहे हैं, और उसी तरह वो ये भी चाह रहे थे कि अगर इस सीट से कोई प्रत्याशी आए, किसी प्रत्याशी का नाम निकलकर सामने आए, तो वो गोरखनाथ मंदिर से हो, गोरखनाथ पीठ से हो, जो ऐसा नहीं हुआ। भले ही योगी दल के जो नेता थे उन्होंने तो ये चाहा था, लेकिन गोरखनाथ मंदिर से जो बाहर के नेता थे, जो वहां की भाजपा इकाई थी, गोरखपुर की जो भाजपा इकाई थी और जिस जो मंदिर के बाहर थी, वो ये चाहते थे कि वहां योगी आदित्यनाथ जिसको खड़ा कर रहे हैं गोरखनाथ मंदिर से, वो ना खड़ा हो, बल्कि इस बार नेता कोई हम में से खड़ा हो। सीधा सीधा समझ गए होंगे आप, सीएम योगी चाहते थे कि गोरखनाथ मंदिर से कोई उम्मीदवार खड़ा हो, लेकिन वहां की जो भाजपा इकाई थी जो मंदिर से बाहर थी, गोरखनाथ मंदिर से बाहर थी, वो नेता चाहते थे कि इस बार प्रत्याशी कोई गोरखनाथ मंदिर का नहीं बल्कि मंदिर के बाहर का होना चाहिए। और इस पर जब पार्टी के आलाकमान ने अपना फैसला सुनाया तो हुआ यही कि सीएम योगी की उम्मीदवार यानी कि सीएम योगी की पसंद का उम्मीदवार को उन्होंने टिकट नहीं दिया, बल्कि वहां के बाहरी नेताओं, मंदिर के बाहरी नेताओं की
उन्होंने बात मानी और उपेंद्र शुक्ला को दिया। यानी कि सीधे सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि सीएम योगी की आदित्यनाथ की नापसंद का उम्मीदवार यहां पर खड़ा हुआ, जो कि उपेंद्र शुक्ला। क्या हम कह सकते हैं कि इसी वजह से बीजेपी हारी? ये बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण हो सकता है। आइए करते हैं इस खबर की ओर रुख, जिसमें बताते हैं कि आखिर इस खबर में क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर और फूलपुर सीट के लिए होने वाले उपचुनावों के लिए आज अपने पत्ते खोलकर सबको चौंका दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर से उपेंद्र दत्त शुक्ला को और फूलपुर सीट से कौशलेंद्र सिंह पटेल को टिकट दिया गया था। ये खबर थोड़ी पुरानी है लेकिन असरदार जरूर है। मैं आपको लेके चलता हूं उस दौर में जब चुनावों का प्रचार जारी था, प्रचार प्रसार जारी था और मतदान होने में वक्त था, लिहाजा इन दोनों सीटों पर मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद थी। गोरखपुर से योगी अपने किसी करीबी को टिकट दिलाना चाह रहे थे, जबकि फूलपुर से केशव मौर्य अपनी पत्नी के लिए पार्टी से टिकट मांग रहे थे। आपको बता दें कि कौन है उपेंद्र दत्त शुक्ल और कौशलेंद्र सिंह पटेल जो कि ये चुनाव हारे हैं, कौन है ये? आइए आपको इस बारे में बताते हैं। उपेंद्र दत्त शुक्ला ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भाजपा से की और जमीनी स्तर पर अपनी मजबूती पकड़ बनाई। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे, लेकिन पार्टी ने पहले उन पर भरोसा नहीं किया और शुक्ला ने पार्टी से लाइन से बाहर जाकर दो बार कौड़ीराम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि वह विधानसभा की दहलीज तक पहुंचने में सफल नहीं हुए। उन्होंने फिर दोबारा भाजपा का दामन थामा और पार्टी ने उन्हें उनकी वफादारी का इनाम देते हुए गोरखपुर सीट से उनको टिकट दिया, लेकिन इस बार भी वो हार गए। तो वहीं फूलपुर की बात करते हैं। फूलपुर लोकसभा पार्टी कौशलेंद्र सिंह पटेल पर भरोसा जताया। बीएचयू से पढ़े लिखे पटेल वर्तमान में पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं और वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय वाराणसी से मेयर रह चुके हैं। हालांकि पटेल चुनार के रहने वाले हैं, पटेल जो है वो चुनार के रहने वाले हैं और शुक्ला की तरह पटेल भी संघ से जुड़े रहे और इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जरिए राजनीति की शुरुआत की। ऐसा माना जा रहा है कि पटेल को फूलपुर में बाहरी होने का नुकसान उठाना पड़ सकता है और जो उन्होंने उन्हें पड़ा। अब बात योगी की नापसंद को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने दिया यह संदेश। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा ने योगी की नापसंद को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। हाँ, जाहिर सी बात है कि योगी नहीं चाह रहे थे कि यहां से उम्मीदवार खड़ा हो। बताया जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस घोषणा के साथ यह संदेश दिया है कि किसी इलाके में किसी का एक छत्र वर्चस्व मंजूर नहीं है। चर्चा है कि गोरखपुर लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव में योगी के सीएम एवं गोरखपुर से 6 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ यहां से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाना चाहते थे। हालांकि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से इस बारे में हरी झंडी नहीं मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रकाश मिश्र का नाम आगे किया गया। बावजूद इसके केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपेंद्र दत्त शुक्ला को मैदान में उतारने का निर्णय लिया। हालांकि चर्चा है कि अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को विश्वास में लेने के बाद ही इस बारे में अंतिम निर्णय लिया। तो वहीं आखिर इसके पीछे एक और लॉजिक है। उपेंद्र दत्त शुक्ला को भाजपा ने क्यों बनाया उम्मीदवार, यह आप देख लीजिए। उपेंद्र दत्त शुक्ला को उम्मीदवार बनाने के पीछे दो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। पहला, उपेंद्र शुक्ला की पार्टी के प्रति निष्ठा व पहचान, और दूसरे, गोरखपुर क्षेत्र में ब्राह्मण मतदाताओं को पार्टी नाराज नहीं करना चाहती थी। बताया जाता है कि उपेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी नहीं बनाए जाने पर भाजपा से कुछ ब्राह्मण निराश होकर किनारा कर सकते थे। सपा ने यहां से निषाद बिरादरी का उम्मीदवार उतारा है, ऐसे में भाजपा को मतदाताओं के जातीय संतुलन को साधने के लिए ब्राह्मण प्रत्याशी उतारना था। यानी कि बीजेपी भी अपनी जगह सही थी, लेकिन चूक कहां हुई ये अभी भी बीजेपी को समझ नहीं आ रहा। लेकिन अंदेशा केवल इसी बात का कि आखिर अगर योगी की पसंद चलती तो क्या नतीजे बदल सकते थे।
अगर योगी की पसंद का वहां पर प्रत्याशी खड़ा होता तो क्या नतीजे बदल सकते थे, लेकिन ये महज अब केवल आशंकाएं हैं, इन पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मुद्दे को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।